माता दी भोजपुरिया खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम एक चम्मच तेल से ही मटर का डोसा बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए मैं दो चटनी बना रही हूँ, एक अमरूद की और एक अनार की। अमरूद हमने एक ही अमरूद लिया है जो आधे किलो का है, और हमने अमरूद को अच्छे से धो के से काट लिया है पीसेस में, और एक ब्लेंडर जार लेंगे उसमें अमरूद को काटे हुए पीस डालेंगे, धनिया का पत्ता डालेंगे और दो मिर्ची डालेंगे और दो अदरक डालेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और तीन लहसुन की कलियाँ। इन सबको अच्छे से डाल के अनुसार चटनी के अंदर हम नमक डालेंगे और 5-6 चम्मच इसके अंदर हम पानी डालेंगे। जितना आपको इसके अंदर क्वांटिटी अच्छा लगे उतना ही डालिएगा, और इसे ब्लेंडर को अच्छे से इसके ढक्कन लगा के इसे ब्लेंड कर लेंगे। देख लीजिए, बिल्कुल हमने फाइन ब्लेंड कर लिया है। देख ही सकते हैं अमरूद की चटनी बनके हमारी तैयार है। डोसा का बैटर बनाएंगे, उसके लिए हमने एक ब्लेंडर ले लिया है। उसके अंदर हरी मिर्ची को तोड़ के डाल देंगे, तीन लहसुन की कलियाँ, कुछ अदरक के टुकड़े और मटर। जितना आपको मटर का पेस्ट बनाना है उतना ही लीजिएगा इसके अंदर मटर, और धनिया का पत्ता लेंगे और इसके अंदर आधे कप जितना हम पानी डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे हम पानी डाल के। देख लीजिए, इसे भी हमने ब्लेंड कर लिया है कितने अच्छे से। का बैटर हमारा तैयार है। अब हम दूसरी चटनी बनाएंगे अनार की, जिसके लिए हमने अनार लिया है। ब्लेंडर लेंगे, अनार को डाल लेंगे हम ब्लेंडर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर चीनी डालेंगे, जितना आपको मीठा चाहिए उतना ही चीनी डालिएगा। फिर पानी डालेंगे आधा कप जितना, और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन ब्लेंड करना है। देख लीजिए, ये हमारी अनार की चटनी भी बनके तैयार है। बस ये चटनी बनके तैयार है हमारी, और जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था डोसे के बैटर के लिए वो लेंगे। उसके अंदर 1/2 कप हमने सूजी डाला है। कप से हम पूरा फुल गेहूं का आटा डालेंगे, बिल्कुल फुल कप। देख लीजिए, इसे डाल लिया है हमने, और हम नमक डालेंगे इसके अंदर। देख लीजिए, डाल दिया इसके अंदर हमने नमक, और थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फुल के हेल्प से। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। और थोड़े थोड़े हमें इसके अंदर पानी ऐड करके इसे अच्छे से हमें डोसा का बैटर बना लेना है। देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से इसे बना लेंगे, और इसे मिनिमम 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से डोसा फ्लफी फ्लफी बने और खाने में बहुत ही अच्छा लगे। देख लीजिए, 2 घंटे के बाद ये हमारा बैटर कितना ज़्यादा ही ऐसे हो गया है। और ये इसे एक बार और हम फेंट लेंगे, इसी फेंटना है जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। बस ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम पैन लेंगे, एक पैन के अंदर थोड़ा सा हमने तेल डाला है, फिर थोड़ा सा पानी छींटा मार के डालेंगे, फिर उसको एक कपड़े से हम पोंछ लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अपने डोसे को बनाएंगे, जैसे कि यही डोसा बनता है। अच्छे से हम पैन पर फैला लेंगे, देख ही सकते हैं जैसे कि मैं आपको वीडियो पर दिखा ही रही हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पकाना है आपको। देख लीजिए, बिल्कुल डोसा के शेप में हो चुका है ये। अब इसे एक साइड के लिए हमें पक देंगे, और साइड साइड से हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि ये निकलने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनका डोसा फट जाता है, क्योंकि वो पहले साइड में तेल नहीं लगाते हैं, इस वजह से ही उनका फट जाता है। देख सकते हैं, थोड़ा सा सेकने देंगे 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद साइड साइड से इसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, बिल्कुल ऐसी तरीके से, और इसे हम पलट देंगे। अब ये एक साइड का पूरा पक गया है, अब इसे हम पलट देंगे। देख ही लीजिए, अब इसे दूसरे साइड का पका लेंगे। ये पका लिया है हमने, अब इसे हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सबको पका लेंगे। देख लीजिए, मैंने ऐसे ही सारे डोसे को बना के तैयार कर लिया है। देख ही सकते कितने अच्छे से हमारे डोसे बन के तैयार है, करारे क्रिस्पी, खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है ये हमारा, बहुत ही कम समय में बन के तैयार है ये। और ये गेहूँ के आटे से हमने बना के तैयार किया इसे, और 1 चम्मच जितना तेल ही लगा है, बाकी कुछ नहीं। खाने में बहुत ही हेल्दी है। मैंने अनार की चटनी, अमरूद की चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है, जो खाने में बहुत ही। अब है ये तीनों चटनियाँ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर ली है, आप जाके देख सकते हैं इसे। तब तक के लिए बाय बाय।